टेबलों के सबसे बुजुर्ग जो है हमारे सरपरस्त हैं, हमारे पावन साहू जी, जो स्वागत के रूप में दो शब्द जो है वो सभी लंगर वालों के और हमारे सारे प्रशासन का और खास तौर पे हमारे सैबलो के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे महेंद्र गोयल जी जो एमएलए दिल्ली हैं, तालियों के साथ स्वागत करें और कि आज हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय पवन साहू जी और स्वागत के रूप में दो शब्द कहेंगे। शंकर भगवान की जय। आज हमारे महेंद्र गोयल जी जो कि पहले ही गुफा से दर्शन करके हमें साथ रहने का सौभाग्य मिला और आज अचानक ही मेरे को ये आना पड़ा और दोबारा इनके स्वागत के लिए फिर उन्होंने मुझे यहाँ उपस्थित किया है। इसके लिए आशीर्वाद के लिए प्रभु ने सर आशीर्वाद तो कल दे दिया, हम तो दुआएं देंगे कि आप लोग और आगे से आगे तरक्की में बढ़ेंगे। और हमारे महेंद्र गोयल जी के साथ में दिल्ली से हमारे पवन शर्मा जी, वो भी एमएलए साहब हैं, और हमारे पवन दलाल जी, सुखवीर दलाल जी, थोड़ा आप उठ के एक बार ताली के साथ स्वागत करें इनका भी। बोले शंकर भगवान। आज की जो ये मीटिंग रखी गई है, ये जो खाना रखा गया है, हमारे आदरणीय महेंद्र गोयल जी जो सैबलो को गठित करने वाले, जिस दिन सैबलो में सिर्फ 5-7 भंडारे थे और सिर्फ 5-7 भंडारों का एक छोटा सा समूह उस समय बालताल में अगर सबसे आगे और सबसे आगे होकर के अगर सेवा करने वाले कोई व्यक्ति था तो वो हमारे महेंद्र गोयल जी थे, और जिन्होंने आज हम सबको संगठित किया हुआ है और भोलेनाथ की इनके ऊपर अपार कृपा है, जिन्होंने अकेला बालताल नहीं, पहलगाम नहीं, इन हमें तो संगठित किया ही किया और अपना संगठन का जो मजबूती है वो दिल्ली में भी जाकर के दिखाई और आज वहां पे दिल्ली में एमएलए के तौर पे सेवा कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से भी और सैबलो की तरफ से और सभी प्रशासन की तरफ से मैं आदरणीय महेंद्र गोयल जी का, पवन जी का और सुबीर जी का सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे जितने भी प्रशासन के ऑफिसर्स आए हैं, हमारे आदरणीय कैंप डायरेक्टर साहब आए हैं, सीओ साहब, एसपी साहब, जितने भी यहाँ पे सभी ऑफिसर्स आए हैं, मैं उनका भी यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब आई अगली बात। आज प्रशासन के साथ हमारी दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग थोड़ी नरमी, थोड़ी गर्मी के साथ हुई थी, मगर वो पिछले 2-3 साल का जो उबाल भंडारे वालों में था वो निकला, मगर उस मीटिंग का भंडारे वालों को, यात्रियों को बहुत फायदा हुआ। हर जगह पे, हर मोड़ पे, जहां भी भंडारे वालों को कोई समस्या थी, मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं प्रशासन का कि इन्होंने हमें हर जगह पे, हर मोड़ पे सहयोग देने का जो वादा किया था उस वादे के ऊपर पूरा उतरे हैं। तालियों के साथ स्वागत करें। हर जगह पे मुझे आज ठाकुर जी के साथ मेरी बातचीत हुई, डीसी साहब का हुक्म हुआ कि आप मनीगांव में जो आपने शिकायत की है वहां पे भी एक दो लंगर वालों की ड्यूटी लगाई जाए कि वहां पे कोई ऐसा शरारती अंशर तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि बालताल में भी, होली केप पे, हर जगह पे प्रशासन का पूरा सहयोग जो है वो लंगर वाले भाइयों को मिल रहा है। मैं इस बात का धन्यवाद हमारे आदरणीय कैंप डायरेक्टर साहब और हमारे सभी फोर्सेस के सीओ साहब
और जेकेपी के जो यहाँ पर ऑफिसर्स हैं, मैं उनका सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे महेंद्र गोयल जी जो सैबलो के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, दो शब्द जो है वो सभी लंगर वालों के साथ साझे करेंगे। हमारे आदरणीय महेंद्र गोयल जी MLA साहब दिल्ली। जय भोलेनाथ। मैं जोर की एक बार, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। यहाँ पर उपस्थित कैंप डायरेक्टर BSF के हमारे शायद आ जाए, वो भी आए हैं, जितने भी फोर्सेज हमारी, चाहे वो CRPF है, आर्मी है, BSF है, सभी के सभी साथियों को मेरा नमस्कार है, जय भोलेनाथ है। और यहाँ पे मेरे साथ में दिल्ली से सुखबीर दलाल जी जो मुंडका से विधायक है और पार्लियामेंट सेक्रेटरी है दिल्ली सरकार में, और पवन शर्मा जी हमारे आदर्श नगर से ये MLA हैं और चेयरमैन हैं ये दिल्ली सरकार में। मैं इनकी तरफ से भी सैबलो के सभी के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतना प्यार दिखाया। मेरे साथ तो रहते ही था, लेकिन आज मेरे जो साथी आए हुए हैं, इनको भी जो प्यार आप लोगों का मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, बहुत ही अच्छा लगा। मैं सैबलो के सभी मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस भी साथी को पता लगा कि दिल्ली से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो उन्होंने दिल्ली के अंदर ही आगे डेरा जमा लिया। मेरे से सिर्फ एक बार मिले, उसके बाद अपने अपने काम पे सब लग गए हैं, कहाँ पे कमरा लिया है, कहाँ पे रहे हैं, कहाँ पे क्या खाया पिया, मुझे कुछ नहीं पता, सब इंतजाम खुद ही किया। जैसे यहाँ पे सेवा कर रहे हैं यात्रियों की, इसी हिसाब से जाके मेरी सेवा की, वोट के प्रति भी, नोट के प्रति भी, और क्या क्या चीजें बताऊंगा मैं, शब्द नहीं है धन्यवाद के लिए। और भोलेनाथ की बड़ी अपार कृपा है, इस बात में कोई दोराय नहीं कि आप जैसे सब भाई मिले, साथी मिले, ये उसकी कृपा है। यहाँ पे मैंने जो भी सेवा की है मस्ती में की, साथियों के साथ बैठ के, भाई साहब के साथ बैठते थे कभी, हम जहाँ पे आजकल पार्किंग होती है वहां पे दूध की कढ़ाई पे बैठते थे साथ में, सभी चेहरे जाने पहचाने हैं, बहुत सी खट्टी मिट्टी यादें हैं। यहीं पे बैठ के ही हमें लोगों ने श्राइन बोर्ड का गठन करवाने के लिए प्रयास किया, क्यों समस्याएं होती थी बहुत, कहीं पे किसी प्रकार की समस्या चल रही है, कहीं पे किसी प्रकार की, तो यहीं पे सभी साथी लोग बैठे थे जो साथ में एक ही सलाह करते थे कि श्राइन बोर्ड यहाँ पे होता है, तो ये भी सैबलो की ही देन थी श्राइन बोर्ड उस समय। यात्रा तो बहुत पहले से चलती आ रही थी, मैं श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से गुजारिश करूंगा कि आपसी तालमेल जरूर बना कर, क्योंकि आपके साथ यदि हमारा तालमेल नहीं होगा तो यात्रा के अंदर बहुत सी खामियां होगी। और इस साल एक स्टार्टिंग में जरूर आपके साथ थोड़ी सी हो रही है, लेकिन उसके बाद आपका बहुत प्यार रहा, यात्रा को आप लोगों ने बड़े सुचारू ढंग से चलाने की वो करी, लेकिन ठीक है, कुदरत वाले की कई बार मार पड़ जाती है, लेकिन संभाला आप लोगों ने बहुत, उसके लिए आप लोगों का एक बार फिर बहुत धन्यवाद। कहने को तो बहुत कुछ होता है, बहुत सी खट्टी मिट्टी आती है, लास्ट ईयर क्या घटित हुआ था हम सब वापस,
अब की बार भी जो हुआ, लेकिन उसके बाद से जैसे संभाला है आप लोगों ने, एक बार फिर पुनः इस मंच के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही यात्रा के टच में रहा हूं। ठीक है, मैं दिल्ली में बैठा था, क्योंकि हमारे जितने भी सैनिकों के पदाधिकारी हैं या मेंबर हैं वो बैठे कहीं पे भी हैं, लेकिन इस यात्रा के पूरा टच के अंदर रहते हैं। और मैं पहले दिन से ही ठाकुर साहब के साथ, राजन जी के साथ, चाहे वो कपिल जी हैं, हर्ष जी, सभी के साथ बराबर में टच में रहते थे। यहाँ पे जो भी दुख तकलीफ या और ये नहीं है कि जो व्यक्ति यहाँ पे प्रेजेंट है उसी के साथ है, वो चाहे अपने घर पे भी बैठे तो उसके साथ मिल बैठ के फिर यात्रा का थोड़ा मजा जरूर अब की बार ग्राम हुआ है। लेकिन फिर भोलेनाथ से यही कृपा करेंगे, वो प्रार्थना करेंगे कि वो सभी पे कृपा करें, इस यात्रा के अंदर विघ्न ना आए। और आपसे भी अनुरोध करेंगे कि गवर्नर साहब से आप लोग अपनी बातें ऐसे शेयर करें कि यात्रा की ये अवधि घटा दी जाए, ये यात्रा की अवधि घटेगी तो इस यात्रा का महत्व रहेगा। श्रावण का महीना अब चालू होना और यात्रा समाप्त हो चुका है, ये चीज देखने वाली है। आपसे एक ही अनुरोध है कि गवर्नर साहब से भी एक रिक्वेस्ट करो कि इस यात्रा की अवधि श्रावण के महीने के अंदर ही रखो तो वो ज्यादा बढ़िया, या ज्यादा ज्यादा 35 दिन की कर लो, 40 दिन की। इतनी लंबी यात्रा होने के बाद ये सेवा तो कर लेंगे, लेकिन यात्री तो हो, यात्री होना जरूरी है। चाहे सेवा इन सेवादारों से कितनी करवा लोगे, तो हर जगह हर समय सेवा करने के लिए तैयार है। यही मेरी प्रार्थना है और यही आपसे रिक्वेस्ट है। जय भोलेनाथ।